हेलो गाइस, मेरा नाम आशीष माथुर और आप देख रहे हैं बिजनेस बज। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है गाइस, वो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। हम बात करेंगे यस बैंक। इतना बड़ा बैंक था एक ज़माने में, जो फोर्थ लार्जेस्ट बैंक था, वो कैसे डूबा। अभी आप देखोगे तो उनके शेयर कुछ 42 के आसपास चल रहे हैं। तो आज पूरी डिटेल में बात करेंगे कि कैसे कैसे इनका हुआ। तो भाई, ये एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो कि 2004 में खुला था। इसको राणा कपूर साहब और अशोक कपूर जी ने खोला था, और इनका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में है, और इनके चेयरपर्सन ब्रह्म दत्त और रणवीर गिल सीईओ और एमडी हैं इस कंपनी के। पर राणा कपूर साहब कहाँ गए जिन्होंने बैंक को खोला था? आगे बात करेंगे इसी वीडियो में, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। देखेंगे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुई इनके साथ, कैसे कैसे डूबा ये बैंक। और अगर अभी इनकी करंट सिचुएशन की मैं बात करूं तो 1122 ब्रांचेज हैं इनकी और 1220 ATMs हैं इनके ऑल ओवर इंडिया। इनका जो मोस्टली रेवेन्यू आता है वो आता है सिंडिकेटेड लोन से, जो कि ये स्टार्टअप वगैरह को देते हैं, और कॉरपोरेट बैंकिंग से। तीन तरह की एंटिटीज हैं इनकी जो पूरे इस यस ग्रुप में आती है। यस बैंक, यस कैपिटल, यस एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज। और इनकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग दीज आर ब्यूरोक्रेटेड एज कॉरपोरेट इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग, कॉमर्शियल बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कॉरपोरेट फाइनेंस, फाइनेंस मार्केटिंग एंड रिटेल बैंकिंग। और अगर सितंबर 2018 की बात लेके चलें तो इन्होंने 8 बड़ी बड़ी इंटरनेशनल एंटिटीज से लोन लिया था, सिंडिकेटेड लोन लिया था, जिसमें कि ADP, OPIC, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, बैंक इन ताइवान, जापान, ये सब इंक्लूडेड थे। और जो ये अमाउंट रेज करते हैं वो होता है $30 million to $410 million तक, जो कि अपने अपने स्मॉल एंटिटीज और स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने के लिए उठा रहे थे। ये इंटरनेशनल मार्केट से लोन उठाते भी थे और इंटरनेशनल मार्केट में ये लोन प्रोवाइड भी करते थे। इन्होंने जैसे कि बैंक ऑफ, मैंने आपको बताया, बैंक ऑफ ताइवान और जापान से इन्होंने लोन उठा भी रखा था, और बैंक इन ताइवान, जापान, USA एंड यूरोप में इन्होंने अपना लोन दे भी रखा था। और इनके US गवर्नमेंट के साथ भी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी विद एंड ऑल्सो विद वेलफार्गो। वेलफार्गो 8th लार्जेस्ट बैंक है एसेट वाइज पूरे वर्ल्ड का। तो इनका इतना सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लोन उठा रहे थे, लोन दे रहे थे, इंटरनेशनल मार्केट में ऑपरेट कर रहे थे, डोमेस्टिक मार्केट में ऑपरेट कर रहे थे, पर कहाँ कमियाँ आई, कैसे सब कुछ हुआ तो ये बैंक डूबा, तो ये देखते हैं अब। और अगर इनकी लिस्टिंग की बात करूं तो ये BSE और NSE, मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में इन्होंने अपना IPO निकाला था 45 रुपीज़ का 2005 में। उस टाइम पे इन्होंने 45 रुपीज़ का IPO निकाला था, और आज जो उसकी वैल्यू है वो 42, मतलब उस टाइम के IPO से भी कम है आज उसकी वैल्यू, इतना गिर गया बैंक। तो इनके जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज में भी इनके बॉन्ड्स थे। और अगर इनकी शेयर होल्डिंग की बात की जाए तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट 43% होल्ड करता था, म्यूचुअल फंड विद इंक्लूडिंग UTI 10% होल्ड करता था, इंश्योरेंस कंपनीज 14% होल्ड करती थी। और स्मॉलर शेयर होल्डिंग की बात की जाए तो राणा कपूर जी 4%, सिर्फ 4% होल्ड करते थे। यस बैंक कैपिटल 3%, मॉर्गन क्रेडिट्स 3%, एंड अदर इन्वेस्टर्स लाइक मधु कपूर 8% तक होल्ड करते थे, मैक्स फिनिश 2%, LIC 9.7% होल्ड करता था इनके बैंक का। तो अब इस बैंक को गिरने से इन सबको ही, मतलब एक तरह से नुकसान हुआ है। और जहाँ तक इनकी रिवॉर्ड्स और रिकग्निशन की बात है तो वो भी बात करके चलते हैं। इनको ब्लूमबर्ग UTV फाइनेंशियल लीडरशिप ऑफ 2011 में इनको फास्टेस्ट ग्रोइंग बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। 2015 में बैंक ऑफ द ईयर बाय लंदन बैंकर्स मिला था, और इस बैंक को नंबर 1 रिकॉग्निशन मिली थी डिजिटल पेमेंट को सपोर्ट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से। और एज पर 2018 इनका जो रेवेन्यू था वो था 25,490 करोड़, और इनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे 6,190 करोड़, और जो नेट इनकम थी वो थी 4,224 करोड़। तो 18,238 बंदे इनकी कंपनी में काम करते हैं, और इनके जो टोटल एसेट्स हैं वो हैं 3,01,390 करोड़ के। तो इतना ज़्यादा क्या हुआ कि ये बैंक इतना गिरता ही चला गया, और आज इसका प्राइस वैल्यू 42 तक पहुंच गया है, जो कि कभी IPO लॉन्च किया था इन्होंने तब भी नहीं था। तो अभी स्टार्ट करते हैं उसके बारे में कि इसके अभी तक तो आपको सही लग रहा है कि हाँ भाई, ये इंटरनेशनल मार्केट में लोन उठा रहे थे, दे रहे थे, और इनका सब कुछ बढ़िया चल रहा था। पर अब जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि ये
इतना गिर गया। तो मोटा मोटी बात शुरू होती है जनवरी 2019 से, जब इसके शेयर प्राइजेस गिरने शुरू हुए थे। तो इसका जो पहला कारण था यही था कि इनकी मैनेजमेंट में चेंज आया था। आरबीआई ने राणा कपूर को मना कर दिया था सीईओ एंड एमडी की पोजीशन होल्ड करने से। तो उसकी जगह पे जो मैंने आपको बताया रणवीर गिल कपूर जी नए सीईओ एंड एमडी आए थे, तो एक तो उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा शेयर मार्केट में। अगर कोई बंदा इतने साल से उस बैंक को चला रहा है, 2004 से उसने उसकी ओपनिंग की है और इतने साल तक वो उसमें सही जा रहा है, और फिर एकदम ही हम आपको कह दें कि नहीं आप अपनी अब सीईओ की पोजीशन को कंटिन्यू नहीं कर सकते, आपको कुछ मैनेजमेंट चेंज लाने हैं, तो एक तो मार्केट वहाँ से इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि लोग कंपनी से ज़्यादा उस बंदे पर ट्रस्ट करते हैं जो उसको चला रहा होता है, वो कंपनी से ज़्यादा उस पर इन्वेस्ट कर रहे होते। तो सबके मन में अब ये था कि जो ये नई सीईओ आएंगे ये कैसे चला पाएंगे बैंक को, कैसे कैसे क्या होता है इनका, तो सब शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा डरे हुए। और दूसरा जो इनका कारण है वो था येस बैंक पुअर परफॉर्मेंस। फाइनेंशियली 2019 के लास्ट क्वार्टर में येस बैंक एक ही दम डिक्लेयर कर देता है कि मैं 1507 करोड़ के लॉस में हूँ, जबकि फाइनेंशियली 2018 का जो चौथा क्वार्टर था उसमें ये कहते हैं कि हमें 11,080 करोड़ का फायदा हुआ है। तो फाइनेंशियली 2019 में इन्होंने अपने बैड लोन्स के लिए कुछ प्रोविजंस रखे जिनकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि उसके कुछ और लोन्स भी बैड डेप्ट हो सकते हैं। बैड डेप्ट मतलब जो बैंक है उन लोन्स को रिकवर नहीं कर पाएगा। अब वो रिकवर क्यों नहीं कर पाया था इसके बारे में आगे बात करेंगे वीडियो में, जिससे इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया इस कंपनी से, और उनके जो NPA हैं वो बहुत हाई चले गए, मतलब नॉन परफॉर्मिंग इंडेक्स। और इनका एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि ये अनएथिकल प्रैक्टिसेस कर रहे थे, इन्होंने अपना NPA एक्चुअल से बहुत ज़्यादा कम दिखा रखा था, और ये सब खिचड़ी मचती है क्योंकि ये लोन रिकवर नहीं कर पाते। इन्होंने IL&FS जैसी कंपनीज को जो कि बहुत सारे फ्रॉड कर चुकी है, तो उन इस इनको उन्होंने लोन दिया तो उनसे रिकवरी नहीं हो पाई। DLF जैसी कंपनीज को जिसमें पहले ही रियल एस्टेट सेक्टर में इतनी मंदी आ चुकी है गाइज, तो वो कंपनी इनको लोन नहीं दे पाई। एंड इंडिया बुल और जी ग्रुप कंपनी जैसे को इन ने उन्हें लोन दिया जो कि अभी तक इनका वहाँ पैसा फंसा ही हुआ है, इसका कुछ ऐसा रिकवरी का वो दिख नहीं रहा है। ये ग्रुप्स ही अभी बहुत लोचे में चल रहे हैं। प्लस इन्होंने CG पावर को अपना वो दिया, वहाँ से इनको लोन की कोई रिकवरी नहीं आती क्योंकि उस कंपनी के साथ फ्रॉड हो चुका है, एक फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ था, और इन कंपनीज से आगे भी लोन रिकवरी की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती है। तो इससे NPAs और बढ़ जाते हैं, इन्वेस्टर्स अपना पैसा और निकालने लग जाते हैं, उनको डाउट होने लग जाता है कि ये बैंक आगे एग्जिस्ट करेगा अभी नहीं करेगा। प्लस इन सब कंपनी से तो लोन रिकवरी हो ही नहीं रही थी, एंड अब जैसे कि आप सब जानते हैं कि इकोनॉमी में स्लो डाउन आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो आगे भी इन्वेस्टर्स को कुछ ऐसा नहीं लगता कि इस बैंक ने जिन कंपनीज को लोन दिए हैं वहाँ भी इनके ये रिकवरी कर पाएंगे, यानी इस बात पर भी इनको डाउट है, तो इसकी वजह से भी इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाले ही जा रहे हैं, जिससे येस बैंक को एक भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है गाइज। और इनका एक और मेन कारण है जो कॉरपोरेट गवर्नेंस का है, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। और RBI के इम्पोर्टेंट कंप्लायंसेस को फॉलो ना करने की वजह से RBI ने इनको 6 करोड़ की पेनल्टी भी लगाई, तो उसका अलग वो रहा इनका। पर येस बैंक अभी भी अपनी अनएथिकल प्रैक्टिसेस से पीछे नहीं हट रहा था, वो अभी भी अपना बैड डेप्थ कम ही दिखा रहा था, तो इसके चलते इनके 3 डायरेक्टर्स ने बोर्ड से रिज़ाइन कर दिया। और इस इनकी वजह से, इन सब खिचड़ी की वजह से इन सब को ये तो पता चल गया था इंटरनल प्रॉब्लम बहुत है येस बैंक में, और RBI भी अब चौकन्ना हो गई थी। एंड इस तभी RBI ने, और इसकी वजह से RBI के फॉर्मर डिप्यूटी गवर्नर मिस्टर आर को एडिशनल डायरेक्टर रख लिया येस बैंक ने, और ताकि RBI एक अच्छे से पूरा उन पे निगरानी रख सके, उनका एक अंदर का कोई बंदा उन मौजूद होना चाहिए येस बैंक में। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनकी मैनेजमेंट में तो इश्यूज थे ही, और राणा कपूर जी जो कि प्रमोटर थे इस येस बैंक के, वो अपने शेयर्स प्लेज करते जा रहे थे, मतलब वो अपने शेयर्स को गिरवी रख कर बैंक के पास उस पर लोन रेज करते जा रहे थे। और ये शेयर मार्केट में ये माना जाता है कि जो भी कोई एक कंपनी का प्रमोटर होता है उसके जितने भी स्टेक प्लेज्ड होते हैं वो उतना ही ख़राब होता है एक कंपनी के लिए, और इनके केस में तो यहाँ ज़्यादातर सारे ही इनके जो स्टेक थे वो प्लेज्ड थे, तो यहाँ से भी इनको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स को मन हट गया इस कंपनी से।
तो ये थी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो कि यस बैंक फेस कर रहा था। कैसे उन्होंने पहले स्टार्ट किया, ये जिनका जो मेन कारण था वो ग्रो करने के चक्कर में हुआ कि ये चाहते थे कि हम अपने बहुत ज़्यादा लोन्स दे, तो उसकी वजह से इन्होंने अपना एनपीए को ना देखते हुए ऐसी वीक कंपनीज या स्टार्टअप्स को लोन दे दिया जो कि जिनको ये बाद में रिकवरी नहीं कर पाए। और आज के आने वाले सेक्टर में भी कुछ कुछ स्टार्टअप्स हैं जो फाइनेंशियल मार्केट से जुड़े हुए हैं, वो भी ऐसे ऐसे गलती कर रहे हैं। तो मेरा जो मेन मोटिव यही है कि मैं आप तक ये वीडियो पहुंचा सकूं और उससे आप उनसे ये गलतियां दोबारा ना करो, आपको एक सीख मिले। ऐसे ही कुछ कुछ और नई बातें जानने के लिए, बिजनेस के पूरा ज्ञान के लिए हमें सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, जो करना है गाइस कर दो। एंड अगर कोई क्वेश्चन है तो मेरे को नीचे लाइक कमेंट में ज़रूर पूछ।